गुजरात के राजकोट में एडिशनल डायरेक्टर विजिलेंस के पद पर तैनात अजमेर के जयकिशन हिंगोरानी को उनकी चोरी की शिकायत पर फरार आरोपी द्वारा वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शातिर युवक खुद को कभी पत्रकार बताता है, कभी MBA डिग्रीधारी बताता है, कभी इंजीनियर बताता है। अब एडिशनल डायरेक्टर ने वीडियो के आधार पर संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। जयकिशन हिंगोरानी ने बताया कि जुलाई महीने की 27 और 28 की मध्य रात्रि को उनका पड़ोसी आलोक घर पर लगे CCTV कैमरे में चोरी करता हुआ पाया गया। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। फुटेज के आधार पर जयकिशन ने आलोक के खिलाफ अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में हिंगोरानी की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस दौरान आलोक उनके अपने घर से फरार हो गया। जयकिशन ने बताया कि आरोपी आलोक ने उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार भी किया, जिसकी शिकायत भी उन्होंने अलग से दर्ज कराई है। गोरानी ये देख ले, मुझको पहचान रहा है? तूने बहुत परेशान किया मेरे पे, झूठे मुकदमे लगाए, अब ये देख ले तू। अभी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, ये देख पीछे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का डिपो, आ रहा हूँ मैं अजमेर, और तेरे सारे जितने भी तूने मेरे को परेशान किया है ना, सबका एक एक का बदला लूंगा। अब सर पे कफन बांध चुका है आलोक भारद्वाज, अब ना जेल जाने से डरता है ये, ना कहीं से डरता, लेकिन तेरे को और तेरी मार के मरूंगा इस बार। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मेरी कॉलोनी में रहने वाले आलोक भारद्वाज शर्मा ने कल रात को मुझे लगभग 11:55 पर कॉल किया, तो उसे मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैं अननोन नंबर से कॉल उठाता नहीं हूँ। उसके बाद उसने मुझे धमकी भरा मैसेज भेजा, जिसके अंदर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा मैसेज के साथ साथ उसने खुद का वीडियो भी भेजा, जिसमें वो खुद को दिल्ली में होना बता रहा है। फिर एक वीडियो पुनः सुबह आज लगभग 6 बजे के आसपास प्राप्त हुआ, उसमें फिर वापस मुझे धमकी दी गई है और उस धमकी में कहा गया है कि वो मेरे और मेरे परिवार को जान से मार देगा।